10:30 और आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज दुर्गा पूजा का नवमी है और अभी हम जा रहे हैं दुर्गा पूजा के पंडालों में, तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। फाइनली दोस्तों देखिए अभी हमारा गाड़ी का तेल खत्म हो चुका है, तो हमारा जो साथी थे वो गाड़ी को ठेलते आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जंगल, लगभग 3 किलोमीटर का जंगल था दोस्तों, डर भी लग रहा था लेकिन क्या कहें, तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। तो फाइनली दोस्तों देखिए अभी हम टंकी के पास पहुंच चुके हैं, अब गाड़ी में सबसे पहले तेल भराएंगे, उसके बाद चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे, अभी तेल भराएंगे। तो फाइनली दोस्तों अभी हम रांची रोड में पहुंच चुके हैं जहां पे इंडिया गेट है, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। अनुरोध करूँगा कि वे हमारे लोग पूरे समिति के सचिव और अध्यक्ष श्री रविंद्र साहू महोदय यादव जी से मैं अनुरोध करूँगा कि मंच पर आ रहे अतिथि को भूखे देकर पूरे सम्मानित करें। बीते अंदर मातो कथी लगा दोस्तों। अभी हम दिल्ली का इंडिया गेट से निकल रहे हैं, अब हमारा फ्लाइट है केदारनाथ धाम का लिए, तो निकल रहे हैं, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। अब हम दिल्ली के बाद केदारनाथ धाम जाने वाले हैं, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। आप देख सकते हैं खतरनाक ही कुछ सीन है। स्वचालित कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए, स्वचालित कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। श्री श्री दुर्गा पूजा समिति आयोजकों की ओर से बाहर भरे दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं स्वागत है। इस बार बाबा केदारनाथ की। फाइनली दोस्तों अभी हम रामगढ़ के सुभाष चौक में पहुंच चुके हैं, यहाँ केदारनाथ धाम के तर्ज पर बनाया गया है थीम, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे, आपको दिखाएंगे। जो मेरे दर्शन करने केदारनाथ आए भक्तों को पता नहीं हम बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे या नहीं।
महादेव। गंगा, यह तो हमारी कैसी विनाश लीला है जो मेरे धाम केदारनाथ को विध्वंस कर रही है। हे महादेव, इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं, मैं तो भक्तों को जीवन देती हूँ, मृत्यु नहीं। तो फिर ये कौन कर रहा है विनाशकारी कार्य जो मेरे दर्शन करने केदारनाथ आए भक्तों को मृत्यु भूत में ढकेल रहा है। कलयासुर, कौन है वह दुष्ट, कहाँ रहता है? हे महादेव, वह अपनी माया शक्ति से छल पूर्वक मेरे पवित्र जल में समाहित होकर मेरी धारा को विनाशकारी रूप दे रहा है। मैंने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया पर असफल रही। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, अन्यथा आपकी पवित्र पीठ का नाश हो जाएगा। ओ, यह बात है, मैं अभी उस प्रलयासुर का अंत करता हूँ। प्रलयासुर जल में क्यों शिशकर विध्वंस कर रहा है? साहस है तो सामने आ, सामने आ प्रलयासुर। एक नारी को अपनी माया और छल से अशक्त कर तू स्वयं को शक्तिशाली समझ रहा है। हाँ, मैं प्रलयासुर हूँ और चारों ओर प्रलय का तांडव रचना मेरी प्रवृत्ति है। मैं सारे तीर्थ धामों को प्रलय से ध्वस्त कर दूंगा। उससे पहले मैं तुझे ध्वस्त कर दूंगा, ले संभाल मेरी दिव्य शक्ति को। अज्ञा अन्यथा
अन्यथा क्या कर दोगे मेरा, मुझे छूते ही तुम भस्म हो जाओगे, पर मैं तुम्हारे रक्त से अपना हाथ गंदा करना नहीं चाहता। साथ ही ब्रह्मा जी के वरदान के कारण यदि तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा वध कोई नहीं कर सकता तो यह तुम्हारा भ्रम है। तो फिर कौन है इस ब्रह्मांड में जो मेरा वध कर सके? एक नारी, एक नारी, एक नारी, एक नारी, एक कुमलागी नारी मेरा वध करेगी। किसी नारी का उपहास मत करो महिषासुर, क्योंकि जो नारी तुम्हारे वध के लिए अवतरित हुई है वह आदि शक्ति का शक्ति रूपेण दुर्गा है। हे देवी दुर्गा, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। दुर्गा, दुर्गा, पर कौन है दुर्गा? कहाँ है दुर्गा? क्यों लगा रही हो, जाने तो आओ। आप आगे आराम से जाएं, अपने परिवार वालों से मिलना है तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आप आगे हैं, आप भैया
आप जहाँ कहीं के भी हो आगे बढ़ेंगे तो